ये है गाना हगमी, जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सनी लियोनी इस पे एक्ट कर रही हैं, कनिका ने गाया है मेरे साथ। और अब मैं इस गाने का एक पंजाबी वर्जन लेके आ रहा हूँ, और वो आप सुनेंगे एक थोड़े से जैज़ी अवतार में, जहाँ पे मैं मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहा हूँ, बैकिंग वोकल्स कर रहा हूँ, सनी भी मेरे साथ फीचर्ड हैं इस वीडियो के अंदर, और बस उसी में हम लोग लगे हुए हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट साउंडिंग हगमी। एक्चुअली आप जानते ही होंगे कि मैं बहुत सारे सिंगल्स करता आ रहा हूँ, जी और सिंगल्स में भी आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम लोग म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाते हैं तो डायरेक्शन में ज़्यादा रहते हैं और बिहाइंड द स्क्रीन कम हो जाता है। तो ये चाहता था मैं कि इस गाने का, मुझे मेलोडी इतनी पसंद है कि इस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाए और प्रेजेंट किया जाए, जहाँ पे म्यूजिकैलिटी जो है गाने की, थोड़ा सा टेम्पो स्लो किया गया है और म्यूजिकैलिटी है, और जो लिरिक्स हैं वो पूरे पंजाबी हैं कम्प्लीटली। जैसे अगर आप ओरिजिनल गाना सुनेंगे, खाली उसमें आ जा हगमी सीने लगनी एवं दूरों दूरों दिल नू न ठगनी, खाली इतना ही है। बट मेरा जो गाना, मेरा जो वर्जन है, उसमें थ्रू आउट वो पंजाबी टच ही रहता है 100%, एंड आई एम श्योर द यंगस्टर्स विल रियली ये लव गाना दैट। फिल्म में नहीं है, ये खाली मैं अपने अपने आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मेरे फैंस के लिए, जो म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं, और डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाह रहा था, क्योंकि जैज़ म्यूज़िक और सैक्सोफोन और फ्लूट और वेरियस चीज़ें जो मैं बजाता हूँ, वो ओरिजिनल गाने में हम लोग फीचर नहीं कर पाए। एक्चुअली यही वन ऑफ द रीजंस की मैं चाहता था, ये गाना एक पेपी गाना है, और उस गाने को प्रेजेंट करने में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, डिफरेंट वोकल स्टाइल के साथ में, दैट्स वाई आई थिंक जितनी बार भी मैंने अकूस्टिकली गाया अपने फैंस के ऊपर, फैंस को दिखाया फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, दे लव्ड इट सो मच कि मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आई कि आप अपना वर्जन क्यों नहीं करते हैं। इनफैक्ट रुस्तम भाई की भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप अपना एक वर्जन कीजिए। तो अभी शुरुआत हुई है हगमी से, देखिए शायद रुस्तम भाई का भी एक वर्जन। एक्चुअली म्यूज़िक बनाना समथिंग जो मैं नेचुरली करता हूँ, उसमें मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्टिंग इज़ समथिंग दैट आई लाइक डूइंग, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंट क्रिएटिविटी निकले। मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ ये वीडियो, मेरे सारे म्यूज़िक वीडियोज़ भी आप जो देखते आ रहे हैं, गुलाबी आँखें या जितने भी और वीडियोज़ हैं, सारे मेरे खुद के डायरेक्शन में हैं। तो ये एक अलग ही फील है, ऐसा लगता है कि गाना आप जब क्रिएट करते हैं, फिर उसके लिरिक्स होते हैं, फिर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो अब मैं उसके नेक्स्ट स्टेज पर भी जा रहा हूँ, जहाँ आप डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर एडिटिंग होएगी, फिर इसका आप जैसा आप देख रहे हैं, हम क्रोमा पे शूट कर रहे हैं, तो क्या बैकड्रॉप्स होंगे, किस टाइप से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, लाइटिंग क्या होनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स रियली इंट्रीग मी अलॉट, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये करता रहूँ सो दैट बोरियत ना हो कहीं, कि एक आप गाने ही बनाए जा रहे हैं, गाने ही गाए जा रहे हैं, या लाइव कॉन्सर्ट्स ही कर रहे हैं खाली। मैं हमेशा से एक हमेशा से तो नहीं, एक्चुअली 2007 में जब मैंने अपना म्यूज़िक लेबल फॉर्म किया था, राघव सचर म्यूज़िक, तो मैं चाहता था कि म्यूज़िक वीडियोज़ जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका, आई डोंट हैव टू रन टू एनीबडी एल्स कि आप मेरा म्यूज़िक वीडियो बनाएं। तो उसके लिए मैंने कैमरा ख़रीदा था, मैं कैमरा के साथ आई स्टार्टेड प्लेइंग विद लेंसेज, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि फोटोग्राफी और डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा पहला वीडियो जो मैंने डायरेक्ट किया था, वो मेरी वाइफ के साथ था, अमिता के साथ। उस गाने का नाम था दिल की जुबान, जो लोगों ने बहुत पसंद किया, वो गोवा में शूट किया था पहली बार हमने। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस किए, जैसे मैंने आपको बताया गुलाबी आंखें, बैंग बैंग, जो भी और रिक्रिएशंस हैं। अभी भी एक नया मेरा वीडियो रिलीज़ होने वाला है, कॉल्ड मेरे सपनों की रानी का रिक्रिएशन है, जो गोल्फ कोर्स पर हुआ है। तो मेरे वीडियोस के पीछे एक कॉन्सेप्ट रहता है यूजली, और ये सब तभी आप कर सकते हैं अगर आप डायरेक्शन भी खुद से करें, एडिटिंग भी खुद से करें। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन आई लाइक यू नो पुटिंग माई सेल्फ इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। बहुत एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आप शुरू करते हैं गाना जहाँ पे आपको एक खाली ढांचा होता है, लिरिक्स होते हैं, खाली मेलोडी होती है। अब मेलोडी के ऊपर आप फिर एक अरेंजमेंट रेडी करते हैं, अरेंजमेंट किस टाइप का होना चाहिए, पब्लिक को क्या पसंद आ रहा है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ओरिजिनल देखेंगे, जो सनी वाला गाना है हगमी का, वो बहुत ही डांसी है, ये वाला आप देखेंगे तो इज मच मोर जैजी एंड मच मोर चिल्ड आउट। उसके बाद डिटेलिंग तो हर एक एलिमेंट में है, जैसे अभी हम लोग क्रोमा पर शूट कर रहे हैं, तो आप हमें भी ये भी देखना है कि सनी के पोजीशंस कहाँ पे होंगी, कहाँ पे वो आएंगी मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगी। सो ये पूरा एक लिटरली एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत होती है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। देखिए कार्टून्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत पसंद है, और बच्चे, आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड, मेरा बेबी बॉय है, तो मैं जानता हूँ कि कार्टून्स ऐसी चीज़ें जो उनको इमिजिएटली अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो जो भी सिचुएशन हो रहा है, कार्टून्स से तो आप डायरेक्टली आप किंडरगार्टन के बच्चों के ऊपर जाके उसका असर होगा। तो जो पहले ज़माने में होते थे कार्टून्स, वो मेरे को बहुत पसंद थे, टॉम एंड जेरी टाइप के, जहाँ पे जी ना आवाज़ ही नहीं थी, खाली आप देख रहे हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं, और आप म्यूज़िक पीछे है। तो वो अनफॉर्चुनेटली टाइम जा चुका है, लेकिन जितना ज़्यादा एक्सपोजर यंग एज में बच्चों को मिल रहा है, उतनी ज़रूरत है नहीं भी।